हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इस सीरीज में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आप अगर एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको किस तरह से नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड के अंदर शिफ्ट होना है और इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई एक पोजीशन डिसाइड कर ली है कि इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो उस पोजीशन के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। यानी इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो गाइस, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस जॉब प्रोफाइल में जाना है। क्या आपको टेस्टिंग साइड जाना है या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड जाना है, क्या आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है या डेटा एनालिस्ट बनना है। ये पहले ही डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में या जो भी उनके पहचान वाले कोई कोर्स कर रहे हैं, वो बिना सोचे समझे और ये जाने कि क्या ये कोर्स उनके लिए सूटेबल है, उस कोर्स को एनरोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हजारों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करने हैं, जो मैं खुद पर्सनली करता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितना खर्चा होगा उससे कई कम खर्च में आप उस टेक्नोलॉजी पे उससे अच्छा हैंड्स ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो आप जावा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां पे आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलेगा। इस क्विक स्टार्ट गाइड में आपको बहुत ही कम टाइम में और कम एफर्ट्स के साथ उस टेक्नोलॉजी का ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। यानी ये टेक्नोलॉजी क्यों लिखी गई, इसका सोल पर्पस क्या है, ये कहाँ पे यूज होती है। साथ ही साथ आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स भी मिलेंगे और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से जार्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको लगेंगे, वो सारा कुछ मेंशन होगा। तो आप एक या दो एग्जांपल्स वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप, बहुत सारे ऑनलाइन फ्री मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे ई बुक्स हो सकते हैं या तो यूट्यूब पे वीडियोस, जो आप देखकर उस टेक्नोलॉजी को और सीख सकते हैं। यहाँ पे एक या दो एग्जांपल्स को स्टार्ट टू एंड बहुत ही डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप जब इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, उस लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड आएगा। साथ ही साथ आपको एक पूरा फ्लो समझ में आएगा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब ये फ्री कंटेंट का लिमिटेशन ये होता है कि यहाँ पे एक या दो ही एग्जाम्पल डिस्कस किए जाते हैं। इसके लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, वो इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड होते हैं। तो आपको इसके अलावा वाला एक्सपोजर इन वीडियोस में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको तीसरे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे आके भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी आपके लिए सूटेबल है या नहीं, क्या आपको इसमें काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है या आपको बोर लग रहा है। इस पॉइंट पे आप या तो इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर से कोई और टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर सकते हैं। अब तीसरा स्टेप है कि कोई ऑनलाइन पेड कोर्स में एनरोल करना। आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे वो बहुत अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूडीमी, स्किल शेयर, अपग्रेड, आप इनके कोई भी अच्छे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन डेप्थ उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा और यहाँ पे बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स यूज करते हैं, तो जो फ्री कंटेंट है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस पेड कंटेंट पे मिलेगी। अब फोर्थ स्टेप, अब आपने उस टेक्नोलॉजी को थ्योरेटिकली समझ लिया, साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी कर लिए। अब इसके बेस पे आपको इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पिक कीजिए और उन पे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि जब भी आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में स्टक हो जाएंगे तो आप अपने आइडिया के थ्रू ऑनलाइन सर्च करके उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, और जितने आपके स्किल्स डेवलप होंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उस टेक्नोलॉजी को लेकर। अब आपको फाइनल स्टेप जो फॉलो करना है वो है लर्न फ्रॉम एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। यानी आपको ढूंढना है ऐसा कोई दोस्त या कोई मेंटर जो इस टेक्नोलॉजी पे कंपनी के अंदर काम कर रहा है। अब तक आपने जो किया वो टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए किया, पर जरूरी नहीं है कि ये पूरा एज इस कंपनी में भी यूज हो। कंपनी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके उस टेक्नोलॉजी को यूज करती है। तो अगर आपको कंपनी रेडी होना है तो आपको ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा। आप उनके भी एग्जांपल्स यूज करके उस पर भी प्रोजेक्ट्स बना के और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं अपने आप को। तो गाइस, ये थे हमारे 5 स्टेप जिनको फॉलो करके आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके बेवकूफ नहीं बनना है और लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं। आप कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।
इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि जितने आप लाइक्स और कमेंट्स करेंगे उतना ही ये वीडियो दूसरों को विजिबल होगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।